ठीक है, आज क्यों होगा इनडायरेक्ट डायरेक्ट एंड डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सब्सटीट्यूशन का मतलब कि डायरेक्टली अपन की दिखता सीगा एक फंक्शन है, फंक्शन के नाल उहदा डेरीवेटिव बैठा, ठीक है, या फंक्शन रेज टू द पावर एन है नाल उहदे डेरीवेटिव बैठा। आप एग्जाम्पल्स देखिया सी, एफ एक्स रेज टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स, या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स रेज टू द पावर एन। इन सारिया एग्जाम्पल्स के विच आपां की करते सी, एफ एक्स नूं डीपुट करते सी, एफ डैश एक्स डी एक्स की बन जाता सी डी टी एंड सो ऑन। हुण उन्होंने थोड़ा जिहा आपां कंपलैक्स वे दे विच लैके जावांगे कि अगर आपां नूं नैक्सट स्टैप ते मतलब क्वेश्चन आ जाण तां उन्होंने किवें सॉल्व करीदा। फर्स्ट एग्जाम्पल जिवें मैं तुहानूं देवां, डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस टू। ठीक है, आपां विद रिस्पैक्ट टू की इंटीग्रेट कर रहे सीगे, सब तो एक्स दे विद रिस्पैक्ट टू कर रहे सीगे, हुण डी एक्स की जगह ते इत्थे की है डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, हुण इस तरीके के क्वेश्चन नूं किवें डील करना है, ये आउंदे आ क्वेश्चन कि आपां नूं इंटीग्रेशन ही विद रिस्पैक्ट टू किसी फंक्शन पूछ ली उन्होंने कि डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू कैलकुलेट करके दो। इस तरीके दे विच की करना आपां, डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी एक्स एक्चुअल दे विच की होएगा टू एक्स, पता ही आपां नूं डी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन डी एक्स किन्ना होएगा टू एक्स, हैंज डी एक्स स्क्वायर प्लस वन विल बी इक्वल्स टू टू एक्स डी एक्स। तो चुपचाप आपां डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन नूं की लिख देना टू एक्स डी एक्स, अपना क्वेश्चन की बन गया टू एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस। ठीक है, सिंपल, कॉट इनवर्स एक्स आ सकता उत्थे, टैन इनवर्स एक्स आ सकता, डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डी टैन इनवर्स एक्स, कुछ भी पूछ सकते अपने तो। आपां बस की करना, जो भी चीज़ गिवन होएगी उसका डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स फाइंड आउट करांगे कि डी एक्स में उधर लिख देंगे जाके, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वन कितना आ गया टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन की बन गया टू एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, इनू करना आता ही है की सब्सटीट्यूशन होएगी इतने पुट एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल्स टू टी, तो टू एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा अपने को डी टी, ये पूरी चीज़ की बन गई डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ। ठीक है, इंटीग्रेशन आपां नूं फर्दर आउंदी है, तो आपां नूं अगर विद रिस्पैक्ट टू किसी होर फंक्शन दे इंटीग्रेट करन लई कह गया होवे तां सिंपली की करो, फाइंड डेरीवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एंड ये जिहड़ा डेरीवेटिव आएगा इनटू डी एक्स की बन जाएगा अपना डी ऑफ दैट फंक्शन, ये सब्सटीट्यूशन कर देनी है। इस तो अगले क्वेश्चन की बन जाएगा अपना नॉर्मल जिवें बाकी क्वेश्चन। ओके, लिख लो इनू, फिर आपां इहदे क्वेश्चन करते हैं। एक होर एग्जाम्पल ये किमें हो सकती है, सपोज मैं इवें का क्वेश्चन आ जाए डी टैन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तुहानू कह देन कि इहनू इंटीग्रेट करके दो, सिंपली आपां की करांगे डी टैन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स किन्ना होएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी ऑफ टैन इनवर्स एक्स विल सिंपली बी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपली इतने की आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा कोई आ सकता। सिंपली आप करना बस इन डिफरेंशिएट करना एंड इस चीज़ को डी एक्स की फॉर्म के जनरेट करके अपने क्वेश्चन यूज करना। ओके, ठीक है, लिखो इन जल्दी फिर आप क्वेश्चन करते अगे। जिन्हां ने नोट कर लिया नाल नाल क्वेश्चन ट्राई करते रहो।
क्वेश्चन नंबर वन देखो की गिवन है अपन अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस एक्स रेस टू द पावर 6। इनू अगर आप थोड़ा जहा ध्यान देखिए तो की लिखा हुआ एक्स रेस टू द पावर 5 अपॉन 2 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 7 अपॉन 2 प्लस एक्स रेस टू द पावर 6। की करना चाहिए यहोजे केस के अपन x रेस टू द पावर 5 बाय 2 की करते हैं कॉमन ले लें x रेस टू द पावर 5 बाय 2 अपॉन x रेस टू द पावर 5 बाय 2 कॉमन आया 7 बाय 2 जो अगर 5 बाय 2 कॉमन जाएगा तो अपने को ले की बचेगा 1 दैट विल सिंपली बी x एंड 6 माइनस 5 बाय 2 कितना बचेगा अपने को ले दैट विल बी x रेस टू द पावर 7 बाय 2। ठीक है x रेस टू द पावर 5 बाय 2 ऊपर से x रेस टू द पावर 5 बाय 2 नीचे से इतने कितना आ गया 1 प्लस x रेस टू द पावर 7 बाय 2। बट आप अगर थोड़ा जहा दिमाग लगा के देखिए कि x रेस टू द पावर 5 बाय 2 की डेरीवेटिव है x रेस टू द पावर 7 बाय 2 का। x रेस टू द पावर 7 बाय 2 का डेरीवेटिव कितना आएगा x रेस टू द पावर 5 बाय 2 ही है तो आएगा ना। तो आप कोशिश करा जनरेट करने की इतने 1 प्लस x रेस टू द पावर 7 बाय 2 तो उपर की रह जाए अपने को 1x plus x raised to the power 7 by 2। ठीक है आई समझ के नहीं तो की कॉमन लिया जा सकता थोड़ा जहा इतने की है मिसमैच होया अपना की कॉमन लिया जा सकता है x नु कॉमन ले लिए अगर x नु कॉमन लवेंगे तो की बचेगा इतने की है अपने को dx की बचेगा अपने को ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ 7 ਬਾਈ 2 ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਬਾਈ 2 ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ 7 ਬਾਈ 2 ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਹਿਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੇ x ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ 5 ਬਾਈ 2 ਅਗਰ ਮੈਂ 1 ਪਲੱਸ x ਰੇਸ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ 7 ਬਾਈ 2 ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ तो इतने की आ जाएगा 7 बाय 2 x रेस टू द पावर 5 बाय 2 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है नाउ 1 प्लस x रेस टू द पावर 7 बाय 2 की है अपने को ले अगर इतने माइनस 7 बाय 2 होंदा तो कितना आना सीगा माइनस 9 बाय 2 नहीं कोई फायदा ही नहीं होना सीगा। ठीक है x रेस टू द पावर 5 बाय 2 7 बाय 2 पहला 1 अपॉन x रेस टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1। ठीक है ठीक है तो 1 अपॉन x रेस टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 नु की पुट कर दिया t तो x रेस टू द पावर माइनस 5 बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू t माइनस 5 बाय 2 x raised to the power minus 7 by 2 dx is equals to d। ठीक है ये चीज की बन गई पूरी dt तो मतलब ये की है पूरा दिस थिंग इज dt तो क्वेश्चन की बन गया अपने को ले दैट इज dt नाल की बचेगा अपने को ले 1 अपॉन t इनटू माइनस 2 अपॉन 5 आई समझ मतलब सब्सटीट्यूशन नहीं है जी आप पहला करते आ रहे हैं उही सब्सटीट्यूशन है बट थोड़ा जा की है डिफरेंट तरीके दे नाल देखने की लोड़ पैनी है अपन कि केड़ा फंक्शन की डेरीवेटिव बन सकता आई समझ आप इतने की किया पहला आप एक्स रेस टू द पावर 7 बाय 2 की लिया कॉमन लिया इतने की बचा 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 5 बाय 2 फिर आप एक्स रेस टू द पावर 5 बाय 2 कॉमन लिया इतने की बचा 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 5 बाय 2 5 बाय 2 पावर कैंसल हुई
1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 5 बाय 2 प्लस 1 नू की पुट किया आप टी, तो एक्स रेस टू द पावर माइनस 5 बाय 2 प्लस 1 इक्वल्स टू टी हो गया, तो ये क्या आ गया एक्स रेस टू द पावर माइनस 7 बाय 2 डी एक्स इक्वल्स टू टी। ठीक है, तो आंसर की है अपने को माइनस 2 बाय 5 1 अपॉन टी टी। आई समझ? ठीक है, लिख लो, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूरा क्वेश्चन लिखने की लोड़ नहीं, जस्ट हिंट लिखना कि हाँ इवें सॉल्व करना, तेन की पुट करना। ठीक है, लिखो जल्दी। जिवें सेकेंड क्वेश्चन है, 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 4x रेज टू द पावर 5 डी एक्स। नीचे अगर मैं एक्स रेज टू द पावर 5 कॉमन लेना तो बाहर की आएगा एक्स रेज टू द पावर 10। ठीक है, इतने की बचेगा 1 प्लस इतने की बचेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4, तो इतने की बचेगा 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो की बन गया क्वेश्चन, की बन गया अपने को 5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6 प्लस 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, हुण सोच के देखो कि अगर इनू आपां टी पुट करिए पूरी चीज नू, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5 नू टी पुट करोगे तो एग्जैक्टली आही चीज बन रही है। इहदा डेरीवेटिव किन्ना आएगा माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 5, इहदा डेरीवेटिव किन्ना आएगा माइनस 5 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 6, डी एक्स दे नाल कॉमन आया तो की बन जाएगा ये डी टी। ठीक है, तो आंसर की बनेगा अपने को कुछ ये माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल लिख लो, अज ये नाल दे क्वेश्चन करते हैं अपना। एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x dx upon under root of 1 plus x square into under root of 1 plus under root of 1 plus x square। ठीक है, कर लो नोट पहला फिर वो ट्राई कर दो। अंडर रूट एक्स का डेरीवेटिव की होंगे, अंडर रूट एक्स का डेरीवेटिव 1/2 रूट एक्स। हूँ देखो अपने को नीचे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पिया, तो मतलब अगर मैं ये पूरी चीज़ नू टी पुट करा तो ऑटोमैटिकली ये डेरीवेटिव आ जूगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की आ जाएगा डेरीवेटिव बन जाएगा। तो पुट 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x dx is equals to dt, 2 the 2 cancel, x upon under root of 1 plus x square dx is equals to dt। अब पूरी चीज की बन गई अपने को ले dt, तो answer will be dt upon under root of t, simple है। ठीक है, integrate कर सकते हैं, just visualize करना कि केड़ी चीज नो अपना t put करिए ताकि अपना question एक specific वधिया form बन जाए दी। टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर।
ठीक है, थ्री बाय टू, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन होल रेस टू द पावर थ्री बाय टू की किया जा सकता है। नॉर्मली की करते अपना इस क्वेश्चन दे विच की किया सी अपना हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स नू कॉमन लिया, यही किया ना अपना उत्थे भी अपना की करांगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स नू कॉमन लवांगे। ठीक है, टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन, अगर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन आएगी तो ऊपर की बचेगा टू एक्स प्लस वन डी एक्स, नीचे अगर मैं एक्स स्क्वायर बार लेके आया तो इतने की बचेगा एक्स क्यूब वन प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर थ्री बाय टू। आई समझ के नहीं? ठीक है, देन टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वन प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेस टू द पावर 3 by 2, तो इतने की बच जाएगा 2 upon x square plus 1 upon x cube। की किया जाए हुण नीचे वाले नूं अगर मैं टी पुट कर दा 1 plus 4 upon x plus 1 upon x square नूं अगर टी पुट कर दा 1 का डेरीवेटिव 0 plus 4 upon x का डेरीवेटिव किन्ना आएगा minus 4 upon x square minus 4 upon x square minus 2 upon x cube dx is equals to dt, तो की कॉमन आ रहा minus 2 2 upon x square plus 1 upon x cube dx is equals to dt, तो this thing is equals to dt upon minus 2, तो ये कितना आ गया minus 1 by 2 dt upon t raised to the power 3 by 2। आई समझ के नहीं? ठीक है, फॉर्म बनानी है अपना, कोशिश की करनी है, लिख भी लेने अपना कि अगर पॉलीनोमियल अपॉन पॉलीनोमियल है तो आप की करांगे, कोशिश करांगे कि टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑटोमैटिकली जी ऊपर वाली चीज होएगी और नीचे वाली चीज का डेरीवेटिव बन जाएगी। ओके, लिख लो जल्दी इन एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर फोर माइनस एक्स रेस टू द पावर फोर। देखो इनू भी देखिए ध्यान नाल की करते हैं आप, एक्स स्क्वायर वन माइनस नैचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स रेस टू द पावर फोर नू मैं की करदा कॉमन लैंना तो इतने की बचेगा नैचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स होल रेस टू द पावर फोर माइनस वन। ठीक है कि नहीं? अगर मैं नीचो एक्स रेस टू द पावर फोर कॉमन ले रहा तो इतने की आएगा नैचुरल लॉग ऑफ एक्स रेस टू द पावर फोर अपॉन एक्स रेस टू द पावर फोर, मतलब नैचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स होल रेस टू द पावर फोर माइनस वन, ये की हो कैंसल इतने की बचा एक्स स्क्वायर। हूँ देखो अगर आप नैचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स नू टी पुट कर दिए तो की आएगा एक्स स्क्वायर इतने आएगा नाल की बनेगा एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू
dt. तो 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी. तो मतलब ये वाली पूरी चीज कंबाइन होके की बन गई डी टी अपॉन टी रेस टू द पावर 4 माइनस 1. डी टी अपॉन टी रेस टू द पावर 4 माइनस 1 को सॉल्व करने का की तरीका होगा टी स्क्वायर माइनस 1 एंड टी स्क्वायर प्लस 1. दिस कुड बी रिटन एज डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1. हुण इहनूं करन दे दो तरीके है, दो क्वाड्रेटिक्स आ गईआं, या तां ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी कर लो, या इहनूं अगर थोड़ा जिहा होर सिंपलीफाई करना तां की कर दिंदे आ डी टी अपॉन टी माइनस 1 टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1. तो दिस कुड बी रिटन एज ए अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 1 प्लस सी टी प्लस डी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1. पार्शियल फ्रैक्शन तो बनाओ तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है. कर कुछ भी नहीं रहे अपन, उन्होंने क्वेश्चन नहीं देख रहे जिन्हें सब्सटीट्यूशन थोड़ी जी टिपिकल है, अपन पहली बार दे विच नहीं दिखती, थोड़ी जी फॉर्म बना के देखनी पैंदी है कि एक्चुअल दे विच सब्सटीट्यूशन की नहीं की, ठीक है. लिख लो क्वेश्चन से सारे, फिर अगे चल रहे. बाद च नोट कर लियो इकट्ठे, कोई मैं मिटाऊंगा नहीं. मैं ठीक है, डिराइव्ड सब्सटीट्यूशन. डिराइव्ड सब्सटीट्यूशन आप किनू कह रहे हैं कि डायरेक्टली आपां क्वेश्चन दे विच कोई भी सब्सटीट्यूशन नहीं दिख रही, आपां क्वेश्चन नू सम ऑफ टू इंटीग्रल्स या डिफरेंस ऑफ टू इंटीग्रल्स की फॉर्म दे विच लेके जावांगे, फिर कोई एडिक्यूएट सब्सटीट्यूशन करांगे जिहदे नाल अपना सोल्यूशन आए. ठीक है, एग्जाम्पल जिवें 2x square upon x 4 plus 1 या 2 upon x raised to the power 4 plus 1 या 2x raised to the power 4 plus upon x raised to the power 4 plus 1 plus kx square या 2 upon x raised to the power 4 plus 1 kx square. ठीक है, मान लो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आप इस केस दे विच की करना, मान लो कि मेरे को आया 2x square upon x raised to the power 4 plus 1. इनू टैकल करने का की तरीका होगा कि आप एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर नू की लिखांगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 1. इनू फर्दर किवें सॉल्व करना, वो सब्सटीट्यूशन दे नाल, मतलब डिराइव्ड वे की होएगा इहदा कि पहला इनू इन्हां दोनों सम्स दे फॉर्म दे विच लिख लो, फिर अगे फर्दर आप की करांगे सब्सटीट्यूशन करांगे. ठीक है, सिमिलरली 2 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 कुड बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिस एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1. 2 अगर क्वेश्चन दे विच नहीं दिखा तो आप 2 आपकी तरफ तो की कर देंगे इंट्रोड्यूस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये सही लिखे आप, कोई गलत नहीं लिखे. सिमिलरली दिस कुड ऑल्सो बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 प्लस के एक्स स्क्वायर.
सिमिलरली दिस कुड बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वन प्लस के एक्स ठीक है। ये तो की है कि पहले स्टैप्स के आप क्वेश्चन स्टार्ट किमें करना, मैं कि किया जोड़ा इंटीग्रल मैंने गिवन सू मैं कन्वर्ट करके दो दो फॉर्म्स के लिख लिया ठीक है। नो फरदर सबसटीट्यूशन की करनी है, सबसटीट्यूशन कर तरीका होएगा ठीक है। मान लो मेरे को आ जाती है पहली सबसटीट्यूशन, कुछ इस तरीके का फॉर्म बन जाता एफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स ठीक है। आपां की करांगे इन्हां नूं ये फॉर्म बनाने की कोशिश करांगे ठीक है, बन भी जाएगी डायरैक्टली बन भी जाएगी, आपां देखते हैं किवें। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स गिवन है तो की करो पुट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, तो ऑटोमैटिकली की बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी, ये चीज की हो जाएगी खत्म हो जाएगी ठीक है। सिमिलरली सेकंड की है एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो आप की करांगे पुट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी ठीक है ना। कोई आप करता नहीं रहे, गलती तो कर ही नहीं रहे ये ठीक है। अगर सपोज मेरे को यह जहाँ कुछ आ जाता तो की करो डिवाइड न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय एक्स स्क्वेयर, डिवाइड न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय एक्स स्क्वेयर, एंड लास्ट फॉर्म भी इदा की बचती है कि अगर मेरे को की आ जाए एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स फोर प्लस वन प्लस के एक्स स्क्वेयर, सिमिलरली डिवाइड न्यूमीरेटर एंड डिनोमीनेटर बाय ठीक है। मे बी इतों कुछ ना पता लग रहा हो जी कि करना की नहीं, क्वेश्चन करांगे तो आप समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल लेने आप, सपोज मेरे को आ गया क्वेश्चन आया एक फाइव अपॉन वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर फोर डी एक्स ठीक है, किमें करांगे फाइव अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर फोर डी एक्स है, इनू आप किमें ट्रीट करांगे कि ये वाली चीज़ लिखी हुई है ठीक है। फाइव नू बाहर रख दें आप अपॉन टू एंड एक ही कर दें इन टू टू, थोड़ा जा कन्वर्ट किया तो फाइव बाय टू एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स रेज टू द पावर फोर डी एक्स, यही चीज बनी ना ठीक है ना। हूँ देखो पहला आप इन टैकल करते हैं 5 अपॉन 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ये चीज बन रही है कुछ के ऊपर एक्स की पावर कितनी है 2, नीचे एक्स की पावर कितनी है 4, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वेयर, आप ही चीज करते हैं तो ये की बन जाएगा अपने को 5 बाय 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यही चीज बनी। हूँ थोड़ा जा अगर दिमाग लगा के देखिए तो मैं अगर इतने प्लस टू माइनस टू करता तो एक ही हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, मतलब आप पूरी चीज तिना कंबाइन करके की बनी हुई आपू उपर प्लस है। हाँ आप करा माइनस वाले इतने यूज करा प्लस वाले नहीं करा ठीक है, तो की आ गया वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स द होल स्क्वेयर प्लस टू। हूँ अगर आप एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की पुट कर दिए टी तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स की बन जाएगा डी टी ठीक है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स में मैं टी पुट करना वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो आप पूरी चीज की बन गई डी टी, तो क्वेश्चन की बन गया फाइव बाय टू डी टी अपॉन टी स्क्वेयर प्लस टू, यदि इंटीग्रेशन अपन आँदी है किड़ी फॉर्म च आएगी इंटीग्रेशन यदि टैन इनवर्स वाली फॉर्म के टी स्क्वेयर प्लस टू आ गया तो यदि इंटीग्रेशन की आएगी टैन इनवर्स टू ठीक है। नाउ फिर अपने को ये चीज़ बची इनू भी आप टैकल कर लें इतने
फाइव बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। ठीक है, की करिए, की स्टेप होना चाहिए, की स्टेप होना चाहिए थे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइव बाय टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस, सॉरी इतने एक्स फोर सी तो इतने की बचा एक्स स्क्वायर प्लस, तो प्लस टू एंड माइनस टू। हूँ आप की यूज करांगे, प्लस टू यूज करांगे क्योंकि ऊपर की है नेगेटिव साइन है। तो दिस विल बी रिटन एज फाइव बाय टू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन वन प्लस वन या एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स न अगर आप टी पुट करिए तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स कि बराबर आ गया डी टी। ठीक है, तो ऊपरली चीज की बन गई पूरी डी टी, क्वेश्चन की बन गया फाइव बाय टू डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। यदि इंटीग्रेशन केड़े फॉर्मूले नाल होएगी, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन टू ए इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस, आई समझ? ठीक है, अगर ऊपर पावर की है, हुन आपां देखिया कि अगर अपने कोले कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा तो आपां इहनूं पहला टैकल किवें करना, उहदी ए वाली फॉर्म बनावांगे। जदों ए वाली फॉर्म बन जाती है तो आपां की करांगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। जदों ये फॉर्म बन जाती है फिर आप करांगे, अगर उत्थे की है एक्स प्लस उपर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी, अगर उत्थे की है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो पुट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टी। आई समझ? तीन चार चीज़ा इकट्ठिया हो गई इतने। क्वेश्चन अपन ये मिले सीगा, सब तो पहला मैंने की किया दो डेरीवेटिव दो इंटीग्रल्स का सम बनाया ए वाली चीज़ यूज करके। ठीक है, जो ये वाली चीज़ बन गई फिर मैं इन्होंने दोनों फॉर्म्स के आइडेंटिफाई किया कि फॉर्म है। आपको पता लग गया कि एक ए वाली फॉर्म बन रही थी, एक ए वाली फॉर्म बन रही थी, दोनों फॉर्म्स का सोल्यूशन की है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नाल जो डिवाइड किया फिर आप देखना कि न्यूमर आपने को 1 माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा या 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा। इस केस दे विच की आ रहा सी 1 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मतलब की पुट करना सी अपना एक्स माइनस वन अपॉन एक्स नू टी, तो आप उत्थे माइनस टू वाला यूज करके एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जनरेट किया। सैकेंड केस दे विच की आ रहा सीगा अपने कोले माइनस आ रहा सीगा, माइनस वाले दे लई आपां नू प्लस दा चाहिदा सी, तो प्लस टू नू यूज करके आपां एक्स प्लस वन अपॉन एक्स उत्थे की किया। ठीक है, दिस इज द वे टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लो, इन चंगी तरह नोट कर लो कंप्लीट, पहला तो यह थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो। ये ठीक है, ये चार फॉर्म्स ने जिहड़ियां तुहानूं याद होनी चाहिए। ठीक है, दैन अपने को फर्दर ये टाइप्स ने जिहड़ियां आपां नूं माइंड च रहनियां चाहिए। ठीक है, लिख लो। एक मिनट कर दें आप,
यदि एक एग्जाम्पल लिख लियो, खुद ट्राई करो, 1 upon x raised to the power 4 +5x² + 1 dx, ठीक है, ये खुद ट्राई कर लियो, dx upon x raised to the power 4 + 5x² + 1, दो मिनट लिए इधर देखियो, करते नहीं, सॉल्व नहीं कर रहे अपना, dx upon x raised to the power 4 + 5x² + 1, इन चारों फॉर्म्स दे विचो केड़ी फॉर्म दिख रही है अपन, यही इन चारों दे विचो केड़ी फॉर्म बन रही है, फोर्थ लास्ट वाली फॉर्म है, वेयर इट इज 2 upon x4 + 1 + kx², तो अपन सब तो पहला तो की चाहिए होगा 2, आप 2 नु की करांगे इतने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हूँ उपर वाले 2 नु आप की लिख लाँगे x² + 1 - x² - 1, फिर एक बार ए वाली फॉर्म बन जाएगी, एक ए वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, हूँ उपर की आ जाएगा क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक, अगला स्टेप की होएगा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², ये की बनेगा 1 + 1 upon x² तो आप की जनरेट करांगे x - 1 upon x, इतने की बनेगा 1 - 1 upon x² तो आप इतने की जनरेट करांगे x + 1 upon x, सिंपल है, एक ही स्टेप्स ने वही बार बार आप फॉलो करने सारे क्वेश्चन, ठीक है, लिख लो, ये भी एग्जाम्पल लिख लो, ये खुद करनी है, कर दे।